हिमाचल इंडिया मेरी यानी अनीता के साथ आई देखते हैं शहर के कुछ खास और बड़ी खबरें। सोमवार से निर्माण के गणगौर पर्व की शुरुआत ग्राम मगरखेड़ी में गणगौर माता की रखी गई मूठ। 4 अप्रैल को मनाएंगे तीज, गणगौर रथ का श्रृंगार कर ज्वारों को लाएंगे घर घर। निर्माण का गणगौर पर्व पारंपरिक पर्व मनाया जाता है। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध त्योहार गणगौर की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी सोमवार को माता की बड़ियों में ब्राह्मणों के घर के मुठ रखने के साथ हुई। असरावद तहसील क्षेत्र के ग्राम मगरखेड़ी में पंडित अरविंद शर्मा ने बताया कि बाड़ियों में शुद्धता और पवित्रता के साथ भीगे वस्त्रों के ज्वारे बोने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। माता जी आज अपने पीहर में आती है और तीज के दिन गौरी पूजन के रूप में मनाया जाता है। तीज के दिन माता के रथों को घर घर ले जाकर पूजन अर्चन कर जोड़े भी जमाए जाते हैं। माता की मूर्ति रखने के बाद 8 दिनों तक माता का पूजन अर्चन कर आरती भी उतारी जाएगी। 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि पर्व का उत्सव देखा जाएगा। वहीं घरों में गणगौर गीत गूंजन शुरू हो जाएंगे। महिलाओं के द्वारा झालरिया दिए जाएंगे। एकादशी चैत्र कृष्ण रात्रि में बांस की टोकरी में गेहूं बोए जाएंगे। 8 दिनों शुद्ध जल घी व विधि विधान से व्रत पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद गेहूं ज्वारों का रूप लेंगे। ज्वारों में शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा विराजमान होकर घर घर विराजित होंगी। 28 मार्च को माता की मूठ रखने के साथ पूर्व की पर्व की शुरुआत होगी। वहीं चैत्र शुक्ल तीज के दिन 4 अप्रैल को माता की बड़ी खोली जाएगी। सभी ग्राम वासियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। ये निमाड़ का जो गणगौर पर्व है ये कब से शुरू होने जा रहा है? ये गणगौर माता का पर्व है। निमाड़ का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज 28 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। इसका माता आज अपने ग्राम में आती है, अपने घर पर पीयर के रूप में आती है और इसे मनाया जाता है। और आज से 8 रोज बाद यह सब आम सभा में कई प्रकार के मनुष्य व्यक्तियों के घर माता को मना के ले जाएंगे। उसके पश्चात गणगौर तीज गना जो आज से 8 रोज बाद गणगौर तीज होती है और उसे गौरी पूजन कहते हैं। और उस गौरी पूजन के दिन माता को हम रथ में बिठाते हैं और उस अनुसार पूरे गाँव के अनुसार इस माता को अपने अपने घरों में ले जाते हैं। उसके पश्चात ये माता जी एक रोज़ अपने घर में सभी अपने घर में धूमधाम से परिवार से इसको मनाया जाता है। पश्चात दूसरे रोज के रोज इस माता को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। पर उस समय गांव में एक बार फिर इन्हें धूमधाम से मना कर लाते हैं और पूरे गांव में माता गणगौर के नाम से भंडारा दिया जाता है और सभी गाँव ग्रामवासी एक साथ इकट्ठे होकर इसे धूमधाम से मनाते हैं। आज मूठ रखाइए माता जी। आज एकादशी है और एकादशी के दिन माता की मूठ रखाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं श्री राम मंदिर मगरखेड़ी का पुजारी हूँ।